सत्ता पार्टी के विधायक दल एक परिवार का रूप है। हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यक्रम को राजस्थान के आम आवाम तक लेकर जाएंगे। सरकार का जो चेहरा कुरूप चेहरा है, भ्रष्टाचारी चेहरा है, सांप्रदायिकता युक्त चेहरा है, और जिस प्रकार का अंतर्द्वंद के कारण से विकास के विरोध का चेहरा है, इस चेहरे को जनता के सामने उजागर करेंगे। अब लड़ाई हमारी प्रारंभ पहले से थी, आदरणीय गुलाब जी की जो विरासत थी, कोशिश करेंगे उन विरासत के आधार पर इसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने बड़े सम्मानजनक तरीके से हमारा नेतृत्व किया। ये पद बड़ा गरिमापूर्ण पद है, इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए पूरा भरसक कोशिश रही। वसुंधरा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन उन्होंने किया, और मैं सारे विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जब कहा कि समर्थन करो तो सब एक साथ, कोई एक भी नीचे नहीं बैठा, सब ने एक साथ खड़े होकर एक साथ एक स्वर में समर्थन किया। ये हमारी एकजुटता का परिचायक है, यह हमारी समरसता का परिचायक है, इसी बात को लेकर हम आगे बढ़े। कंधों पर भार बहुत ज्यादा है आपका। आपने भैरव सिंह जी शेखावत साहब के जमाने से लगातार आपने सियासत को देखा है, राजस्थान की सियासत को। देखिए, मैं लंबे समय से संसदीय जीवन में हूँ। मैंने भैरव सिंह जी का नेतृत्व प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी, वो हमारे नेता थे, पर जिस प्रकार मूल्यहीन राजनीति सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और जिस प्रकार बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के धन का अपने कोई भी जन आधार को ढूंढने में, वो पहले कभी नहीं हुआ। आज राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है। सिर्फ आभासी सरकार है, सरकार दिखाई देती है पर सरकार में खुद में जान नहीं है, और इसी कारण से आपने देखा होगा चाहे बजट की घोषणा हो, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण की घोषणा हो, एक भी घोषणा धरती पर नहीं आती। हम इन सारी बातों को करेंगे। आने वाला समय में अप्रैल के तीसरे सप्ताह में फिर विधानसभा प्रारंभ होने के संभावनाएं हैं। जिस प्रकार जिस दिन हमने विधानसभा का अंतिम दिन बैठ के बात की थी मैंने अध्यक्ष महोदय से, अब जब भी विधानसभा आएगी सरकार को घेरेंगे। राजस्थान में एक नए क्षत्रिय राजपूत क्षत्रप का उदय हुआ है जो सर्व जातियों को साथ लेकर चलेगा। मैंने कभी समाज की राजनीति नहीं की, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की राजनीति की है। हाँ, मुझे अभिमान है कि मैं एक समाज से हूँ जो जिस समाज ने नेतृत्व दिया है पूरे देश के अंदर अपनी कुर्बानियों से, पर हम सब लोग समरसता से आ काम को आगे बढ़ाएं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कैसे निभाएंगे राठौड़ साहब, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए, पुराना अनुभव भी है, कार्यकर्ता भी हूँ और एक ज़मीनी तौर पर काम भी करता आया हूँ, इसलिए ये कोई जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेवारी नहीं। इसको मैं सहजता से जिस तरह एक साधारण कार्यकर्ता अपने काम को अंजाम देता है उसी तरह अंजाम दूंगा।